नमस्कार दोस्तों, यात्रा जंक्शन पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अभी तक आपने देखा हौज खास का फोर्ड दिल्ली में, जो बहुत ही फेमस है, और उसी से लगा हुआ बिल्कुल साथ में है एक डियर पार्क। तो आज की यात्रा हम उसी की करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि ये पार्क में सिर्फ डियर नहीं है, यहाँ पर और कई ऐतिहासिक और पुरानी चीज़ें हैं जिनको आपको देखना चाहिए। तो सबसे पहले गेट से प्रवेश करते ही आपको ऐसे कुछ हरियाली वाले रास्ते मिलेंगे जो आपको बहुत ही शांति का अनुभव कराएंगे। ये छोटे छोटे हरियाली वाले पौधे आपको दिल्ली जैसे व्यस्त शहर में बहुत कम देखने को मिलेंगे। और उसके बाद बच्चों के लिए यहाँ पर जिम बनाए गए हैं, और इस पार्क में कई सारे ऐसे स्पोर्ट्स ग्राउंड हैं, कई सारे ऐसे खेलने के मैदान बनाए गए हैं जो छोटे बच्चों के लिए और बड़े लोगों के लिए अलग अलग है। साथ ही साथ कई सारी यहाँ पे व्यायामशाला भी है जो आपको देखने को मिलेगी। तो इससे निकल कर थोड़ा आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम देखने का प्रयास कर रहे हैं हिरन को, जो हम देखने आए हैं और जिसके लिए ये पार्क फेमस है, जिसे लोग देखने यहाँ पर आते हैं। इस पार्क में आपको जगह जगह ऐसे शौचालय मिल जाएंगे, ऐसे सुविधा केंद्र मिल जाएंगे, बच्चों के खेलने के लिए पार्क मिल जाएंगे जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। क्यों ना बच्चों के पार्क को थोड़ा पास से देखा जाए। यहाँ पर बच्चे झूला झूलते हैं, स्लाइडिंग करते हैं और आनंद लेते हैं। तो चलिए अब हम चलते हिरन पार्क की ओर। पार्क में बैठने के लिए भी व्यवस्था की गई है, और ऐसे छोटी छोटी पतली पतली गलियों से गुजरते हुए आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। तो ये सामने आप जो देख पा रहे हैं ये है हिरन पार्क। यहाँ पे कुछ चेतावनियाँ लिखी हुई, जैसे कि आपको अंदर पन्नी नहीं फेंकनी है, पत्थर नहीं फेंकना है या कुछ खाने पीने का सामान नहीं देना है। ये सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है, नियम को मानना है आपको। और ये भाई साहब निगरानी रखते हैं इस पार्क की कि कोई ऐसी अनहोनी घटना ना होने पाए, कुछ भी ऐसा काम कोई ना कर पाए जो यहाँ पर नहीं करना चाहिए था। ऐसे कई सारे भाई साहब आपको यहाँ पर मिलेंगे देखने को। अब आप देख सकते हैं वो है हिरन, वो हिरन अंदर की तरफ जा रही है। शायद कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से ये चारों तरफ ग्रीन कलर की नेटिंग हुई है, जालियां लगाई गई हैं, ताकि संभवतः, जो मुझे लगता है कि ये लोग कुछ खाने पीने का सामान अंदर फेंकते होंगे जिनकी वजह से हिरन को नुकसान होता होगा, इसी वजह से शायद ये नेटिंग की गई है। ये छोटे नन्हे कलाकार भी उस हिरन को देखने के लिए लालायित हैं। तो ऐसे कई सारे लोगों को इसकी वजह से परेशानियां होती हैं, और वो हिरन देखने आए लोगों को निराशा का सामना करना पड़ता है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जब भी कभी ऐसी जगह जाएं तो ऐसा कोई भी काम ना करें जो आपको नहीं करना चाहिए। जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उनके सारे नियमों को माने, ये आपके लिए और आपके साथ साथ आने वाले कई सारे लोगों के लिए अच्छा होगा। यहाँ पर दरवाजे लगे हैं, संभवतः ये दरवाजे हिरन की मेडिकल सुविधा, चिकित्सा या खाने पीने की चीज़ें पहुँचाने के लिए, आने जाने के लिए ये लगाया गया होगा। और अब पार्क समाप्त हो चुका है, थोड़ा सा ही आप हिरन का दर्शन कर पाए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, इस डियर पार्क वाले साइड से अब हम चलते हैं ऐतिहासिक चीज़ों की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले आएगा यहाँ का तालाब। वहाँ पर चलते हैं और तालाब पर पहुँचकर वहाँ का इतिहास शुरू करते हैं। यकीन मानिए कि वहाँ पर पहुँचकर आप बोर नहीं होने वाले हैं। ये वीडियो जितनी ही लंबी है आप उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेने वाले हैं, मतलब आपको उतना ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस पार्क का इतिहास आपको अपने आप में रोमांचक कर देगा। साथ ही साथ आपको वो जगह भी हम दिखाएंगे जहाँ पर
सुशांत सिंह राजपूत की धोनी फिल्म के गाने की शूटिंग हुई थी। तो थोड़ा इंतजार करिए और चलते हैं हम पार्क की ओर। अगर आपको रास्ते में प्यास लगे तो आप इन घड़ों का पानी भी पी सकते हैं और कई जगह ऐसे प्याऊ केंद्र हैं जहां पर आप ठंडे पानी का आनंद ले सकते हैं। और अगर आप चलते चलते थक जाएं तो इन भाई साहब जैसे आप बैठकर अपने पैरों को थोड़ा आराम दे सकते हैं। कैसे यहाँ के लोग इस तालाब से आज भी जुड़े हुए हैं। ये तालाब आज भी लोगों की जिंदगी में कितना अहम रोल अदा करता है, इस बारे में हम बात करेंगे। इसे तालाब कहें या झील कहें, इसमें भी एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें कूड़ा करकट पॉलीथीन वगैरह आपको नहीं फेंकना है। अगर आप फेंकते हैं तो आपको 2,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। आसपास के लोग यहाँ पर अक्सर शाम को और सुबह के वक्त दौड़ते आपको दिखेंगे या फिर कोई वॉक करते दिखेगा, आपको पैदल चलते दिखेगा। अपने स्वास्थ्य को बेहतर करने का ये सबसे आसान और सही तरीका है। तो चलिए घूमते घूमते इस तालाब का इतिहास शुरू करते हैं। ये तालाब या झील हौज खास के किले के परिसर में आता था। इस तालाब को हौजे इलाही के नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल 1296 से 1316 के दौरान करवाया गया था। यह परिसर अलाउद्दीन की नई किलाबंद राजधानी के पश्चिम में स्थित है। ये पार्क ऐसे कई बेसहारा जीवों का सहारा बनकर उन्हें जीवन प्रदान कर रहा है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस पार्क में आपको ऐतिहासिक चीजें भी दिखाऊंगा, तो उनमें से सबसे पहली चीज हम देखने चल रहे हैं और ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे चल के इससे और बड़ी बड़ी ऐतिहासिक चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये है मुंडा गुंबद। इसका निर्माण खिलजी काल में किया गया। मुंडा गुंबद मूल रूप से हौज खास तालाब के बीचों बीच एक 2 मंजिला मंडप रहा होगा। अभिलेखों के अनुसार हौज खास तालाब का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनी राजधानी के नागरिकों के लिए 1295 ईस्वी में कराया गया था। अब इसकी केवल 1 मंजिल शेष है। हौजे शमसी की तरह गुंबद के लुप्त होने के कारण इस स्मारक को यह नाम मिला होगा। यह स्मारक वर्गाकार है जो अनगढ़े पत्थरों से बना हुआ है। इसके चारों तरफ मेहराबी प्रवेश द्वार है जिनसे भीतरी कक्ष में प्रवेश किया जा सकता है। इनमें 4 सीढ़ियां हैं जो अलग अलग दिशा में बनी हुई हैं। यहां से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको हरियाली भरे रास्ते से होते हुए मिलेगा एनुअल प्लांट। यहाँ पर 20 तरह के अलग अलग एनुअल प्लांट रखे गए हैं। यहाँ से होते हुए आपके ठीक सामने एक गेट दिखेगा जो एग्जिट गेट है। अगर आप चाहें तो यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं, आप अपने घर की ओर जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पार्क को और घूमना तो इस पार्क का आनंद आप और ले सकते हैं। यहाँ पर घूमते घूमते आप महसूस करेंगे कि यहाँ का जो रास्ता है वो परिवर्तित हो चुका है। अभी तक आप जो घूम रहे थे
वो पथरीला रास्ता था, लेकिन अब जो आप घूम रहे हैं ये कंकड़ और बजरी का रास्ता है। इस रास्ते के बारे में आगे मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा। उससे पहले रास्ते में बनी कई सारी अतरंगी चीजें आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि आप अभी अपने सामने देख पा रहे हैं। ये एक बोट का छाया चित्र है, एक नाव बनी है जो आपको देखने में बहुत आकर्षित लगेगी। इसके नीचे आप बैठकर फिर शाम कर सकते हैं। तो चलिए इस पार्क के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इस पार्क का क्षेत्रफल है 95.55 एकड़। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ चेतावनियां भी दी गई हैं जिनका आपको पालन करना है। उद्यान में हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल इत्यादि खेलना, साइकिल व अन्य वाहन चलाना, बीड़ी सिगरेट पीना, शराब व नशीले पदार्थों का सेवन करना, जुआ खेलना, संपत्ति का नुकसान पहुंचाना, फूल पौधे तोड़ना, कूड़ा डालना एवं आग जलाना सख्त मना है। उद्यान में पालतू कुत्ते घुमाने की अनुमति निम्न निर्देशों के अनुसार है। पालतू कुत्ते को घुमाने की अनुमति उसकी वयस्क अथवा मालिक के साथ। पालतू कुत्ते के मालिक उद्यान की सफाई का उचित ध्यान रखें और अपने पालतू कुत्ते की गंदगी उठाने के लिए अपने साथ थैला अवश्य रखें अथवा उपयुक्त व्यवस्था करें। पालतू कुत्ते के मालिक उद्यान में घूमने वाले लोगों की सुरक्षा का भी ख्याल रखें। ऐसे निर्देशों का पालन करते हुए इस पार्क का आप आनंद लेते रहें। बातों बातों में इस तालाब का आधा इतिहास तो रह ही गया है, तो चलिए आगे बात करते हैं। बरसात के दौरान इसमें वर्षा का जल एकत्रित होता था, जिसका इस्तेमाल आसपास के लोगों द्वारा पूरे वर्ष किया जाता था। अलाउद्दीन के बाद के वर्षों में रखरखाव के अभाव में तालाब की ओर जाने वाली नहरों में गाद भर गए। जिन्हें गाद का मतलब नहीं पता उन्हें बता दूं, गाद को काई भी कहा जाता है, या आप एक सरल भाषा में कीचड़ भी कह सकते हैं, और ये सूख गई। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल 1351 से 1388 के दौरान इस तालाब का जीर्णोद्धार करके पानी की आपूर्ति बहाल की गई थी। तब से यह तालाब हौज खास या शाही तालाब के नाम से जाना जाने लगा। इसके संरक्षण कार्य के दौरान फिरोज शाह ने तालाब के दक्षिणी पश्चिमी छोर के पास मदरसा ए फिरोज शाही का निर्माण भी करवाया था, जिसका वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उस पर एक ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है। तो चलिए पार्क में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर लोहे की जालियाँ लगा दी गई हैं और इसी से बिल्कुल सटा हुआ है हौज खास का फोर्ट। ये वो किला है जहाँ पर अब आपको जाने के लिए 20 रुपये से 25 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, लेकिन इस पार्क में घूमना आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और यही वो जगह है जहाँ पर बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के फिल्म धोनी के गाने की शूटिंग हुई थी। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उस फिल्म के गाने का एक छोटा सा क्लिप भी डाल रखा है मैंने, इसलिए भी यह जगह बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर कई सारे पुराने आर्किटेक्ट हैं जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। उन दिनों इस किले से इस पार्क में आने के लिए कई जगह सीढ़ियाँ बनाई गई थी जहाँ लोग आसानी से आ सकते थे, लेकिन इसी वजह से आजकल इतनी भीड़ हो जाती थी जिसको नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता था। इन्हीं सब को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से सीढ़ियों की चारों तरफ जालियां लगा दी गई हैं। तो अगर आप किला घूमने आए हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ किले का आनंद ले सकते हैं। अगर आप इस पार्क में घूमना चाहते हैं तो आपको किले से बाहर निकलकर डियर पार्क के गेट से आपको अंदर आना पड़ेगा, जो एंट्री बिल्कुल फ्री है। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कुछ है। किले का ये हिस्सा अभी बंद कर दिया गया है,
किसी निजी कारणों की वजह से। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं सीढ़ियाँ लगी हुई है, उस समय में लोग यहाँ पर आसानी से उतर कर आ रहे होंगे। इस किले से बिल्कुल सटा हुआ है कई सारे होटल्स, रेस्टोरेंट और लोगों के घर। शायद ये भी एक वजह हो सकती है इसको बंद करने की। और इस किले के बिल्कुल ठीक सामने है वो तालाब, वो झील जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। तो अब हमारी झील की यात्रा पूरी हो चुकी है और अब हम निकल रहे हैं दूसरी तरफ। अभी आपको ये वीडियो छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि अभी इस वीडियो का आपने 20% मतलब 20% भी आपने नहीं देखा है। अगर आप ऐतिहासिक चीज़ें देखने के शौकीन हैं तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अब हम जहां आपको लेके चल रहे हैं वो आपने अब तक नहीं देखा होगा। शायद इस नाम से भी लोग इसे नहीं देखते होंगे, क्योंकि इस जगह का नाम है डियर पार्क। तो लोगों को लगता होगा शायद यहाँ पे सिर्फ जानवर, हिरन ये सारी चीज़ें दिखाई जाती होंगी या देखा जाता होगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ खिलजी के टाइम की कई ऐतिहासिक चीज़ें हैं यहाँ पर, जिन्हें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आपकी नॉलेज, आपकी जानकारी के लिए अच्छा होगा। तो हम वापसी उसी रास्ते से आएंगे जिस रास्ते से हम गए थे। यहाँ पर आपको कुछ फूलों के उद्यान मिलेंगे जो आपको अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ये उद्यान बहुत खूबसूरत हैं, जो रास्ते के किनारे किनारे लगे हुए हैं। अगर आप फूलों के शौकीन हैं तो आप कुछ क्षण रुक के इनका दीदार अवश्य करें। यह है स्वस्थ पथ अर्थात शौचालय, मतलब इस पार्क में शौचालय की कई जगह व्यवस्था की गई है, तो आप वो भी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। और थोड़ा सा आगे चलने पर हमें देखिए ये प्यारे प्यारे छोटे छोटे खरगोश, रैबिट्स, ये कई कलर में जो एक हरी कलर की जाली से ढके भी होते हैं। लोग अंदर कुछ फेंके ना, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से ये लगाया गया है। आगे थोड़ा चलने पर दो छोटे छोटे घर जैसे मुझे दिखे, शायद ये किसी का घर होगा या फिर सुरक्षा गार्ड के लिए ये घर बनाया गया होगा, जिनके लिए भी होगा ये है वैसे बहुत बेहतरीन चीज। और अब वो ऐतिहासिक क्षण आ चुका है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अभी आप सामने जो देख पा रहे हैं ये इमारत बहुत ऐतिहासिक है, तो चलिए इसके इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लगे शिला पट्टिका से यह पता चलता है कि यह एक मस्जिद है। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी की यह मस्जिद तुगलक काल के उद्यान में स्थित है। रोड़ी पत्थर से निर्मित इस भवन का क्षेत्रफल 9.5 × 5.2 मीटर है। 3 कमरों की छत ढह चुकी है, लेकिन दोहरी परत वाले शैल स्तंभों के अवशेषों को आज भी देखा जा सकता है। मस्जिद के ठीक सामने बनी शाही इमारत को देखकर आपको कुछ न कुछ अंदाजा जरूर लग गया होगा। अगर आप घूमने के शौकीन हैं, ऐतिहासिक चीजों में रुचि रखते हैं, तो आपको ये देखकर थोड़ा बहुत अंदाजा तो लग गया होगा। या फिर अगर आपने हमारा पुराना वीडियो हुमायूं टॉम का देखा होगा तो आपको कुछ न कुछ अंदाजा जरूर लग गया होगा कि ये क्या चीज है। जैसा कि आर्किटेक्ट को देखकर कुछ शाही इमारत जैसी लग रही है, संभवतः ये एक मकबरा होगा। चलिए आगे चलकर देखते हैं। यह है बागे आलम का गुंबद। निश्चित ही ये एक शाही गुंबद है जिसके अंदर प्रवेश करने पर हमें दिखती हैं 3 कब्रें। संभवतः ये किसी शाही दरबार की होंगी जिसके चारों तरफ हवादार खुले झरोखे बने हुए हैं। छोटी और बड़ी खिड़कियां हैं।
निश्चित ही इस कब्र के पास पहले कुछ आलीशान पत्थर लगे होंगे जो अभी नहीं है। इस शाही गुंबद के ऊपर कई तरह की नक्काशी की गई है। और इसके ठीक सामने मस्जिद है। इस कब्र का मस्जिद के ठीक सामने होने का ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये किसी शाही व्यक्ति की रही होगी। यही वो मस्जिद है जो इस शाही गुंबद के ठीक सामने है। यहाँ पर दो बड़े ही अजीब तरह के दरवाजे दिए गए हैं जो बहुत ही पतले हैं, जो अंदर से आपको नहीं दिखते हैं। इस मस्जिद से थोड़ा ही निकलने पर आपको एक और छोटी सी इमारत दिखेगी जो ऊपर से काली है और नीचे से हल्का सा गुलाबी रंग है। इस इमारत का नाम है काली गुमटी। शायद इसके ऊपरी हिस्से के काले होने की वजह से इसका नाम काली गुमटी रखा गया होगा। लोदी काल में निर्मित यह मकबरा वर्गाकार है। इसके उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व में महराव नुमा दरवाजे हैं, जबकि पश्चिम में मेहराब बना है। इस वर्गाकार कक्ष की छत गुंबदाकार है। मकबरे के पास ही एक मस्जिद है। तो निश्चित ही ये एक मकबरा हुआ करता था जहां पर अभी कोई कब्र नहीं है। तो वीडियो देखते देखते आप लोग कमेंट करके ये बताना बिल्कुल मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। तो यहाँ से बाहर निकलने पर हमें कच्चे रास्तों से होकर दूसरी ओर जाना है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे प्लेग्राउंड्स हैं जहाँ पर लोग क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल और कई सारे खेल खेलते हैं। ये कच्चे और पक्के रास्ते से होते हुए कुछ नई और चीज़ों की तलाश करते हुए हम चलते हैं अपने नए पथ की ओर। और हमें दिखाई देता है ये खंडहर। संभवतः ये भी कुछ एक आर्किटेक्ट रहा होगा जो इस समय खंडहर का रूप ले चुका है। ये पक्के रास्ते और आने वाले कुछ कच्चे रास्ते मिलकर यहाँ पर एक चौक बनाते हैं, एक चौराहा बनाते हैं, जो दोनों रास्ते के मायने बिल्कुल अलग हैं। जब दोनों रास्ते एक साथ मिलेंगे तब मैं आपको दोनों रास्ते के मायने बताऊंगा कि क्यों यहाँ पर एक पक्का रास्ता बनाया गया और क्यों यहाँ पर एक ऐसे बजरी वाला रास्ता बनाया गया है। तो पक्के रास्ते से होते हुए अब एक और एग्जिट पॉइंट आ गया है, एक और निकास द्वार आ गया है। यहाँ से भी अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप एग्जिट कर सकते हैं, यहाँ से भी आप निकल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि बजरी वाला रास्ता है, कच्चा रास्ता है, और ये पक्का रास्ता है। और अब जब दोनों रास्ते एक साथ हो गए हैं तो चलिए बताते हैं कि एक साथ ऐसे दो रास्ते क्यों बनाए गए। आप बोर्ड में देख सकते हैं सीधे, ये है जंपिंग ट्रैक, कूदने और व्यायाम करने के लिए। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, अगर आप सुबह के टाइम सैर करते हैं, शाम के टाइम सैर करते हैं, तो उसके लिए ये रास्ता बनाया गया है। और बीच बीच में कई सारे जंपिंग एक्टिविटी भी बनाई गई है, इसलिए ये दो तरीके रास्ते यहाँ पर बनाए गए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देते रहें। तो इस रास्ते से होते हुए अब हमने पार्क को घूम लिया है और पार्क से अब हम बाहर की तरफ आ गए हैं। अब इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए।
तो यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर आप मेट्रो से आते हैं तो आपका जो निकटतम रेलवे स्टेशन होगा, मेट्रो स्टेशन होगा, वो हौज खास या IIT पड़ेगा, जहाँ से आपको लोकल ऑटो या फिर ऑनलाइन ई बाइक्स वगैरह आपको मिल जाएंगी, जिनका न्यूनतम किराया 50 रुपये से 100 रुपये तक होगा, जो आपको लाकर सीधे यहाँ पर छोड़ देंगे। यहाँ घूमने के साथ साथ आप हौज खास के किले को घूमना बिल्कुल न भूलें। तो आज की यात्रा यहीं तक। तो मैं आ गए अपने मेट्रो स्टेशन IIT पर, और मिलते हैं फिर किसी नए डेस्टिनेशन पर, फिर किसी नए यात्रा पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। यात्रा के शौकीन इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि घर बैठे अगर आपको यात्रा करनी है, कुछ ऐतिहासिक चीज़ें देखनी है, कुछ मनोरंजन करना है, तो इस चैनल पर आपको वो सब कुछ मिलने वाला है। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।